हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपर बाउंड ऑफ ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर कट बता दूं भाई, मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ओके, अगर मेरे पास कोई सबसेट है किसी रियल नंबर का, तो उसका जो अपर बाउंड होता है वो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पहले उसकी डेफिनेशन दूंगा, फिर उसका एग्जांपल दूंगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि सपोज़ दैट, अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, सपोज़ दैट कैपिटल एस बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, आर मतलब यह है कि एस जो है अगर सबसेट हो जाए, एस किसका सबसेट हो, आर का अगर सबसेट हो, देन उस पोजीशन में इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर यू सच दैट, पहले लिख दूं बाद में समझाऊंगा, एक्स लेस देन और इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, देन U is called an upper bound of S। ज़रा समझने की कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लिया मेरे पास जो है ना, आपको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। मैंने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये जो मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, जहाँ से मैंने इसका कोई भी सबसेट उठाया, उसका नाम दिया मैंने एस। अगर मेरे पास एस कोई सबसेट हो रियल नंबर का, ओके, देन अगर दियर एग्जिस्ट ए रियल नंबर यू, ओके, ये जो यू नंबर है ये उस सेट एस के अंदर आ भी जाए या उसके बाहर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि अगर दियर एग्जिस्ट का मतलब निकलता है कि वहाँ पर अगर कोई ऐसा नंबर मिल जाए यू सच दैट, जिसके लिए एक्स लेस देन और इक्वल टू यू हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, मतलब क्या निकलता है, आपको पता है एस मेरे पास कोई सेट है, एस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, ओके, बहुत सारे एलिमेंट हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस का मतलब है कि एक्स के अंदर जो सारे के सारे एलिमेंट है, वो इस पर्टिकुलर नंबर से अगर छोटे हैं, तो तब ये पर्टिकुलर नंबर इस सेट एस के लिए अपर बाउंड कहलाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो यू है ये उस सेट का एलिमेंट हो या ना हो, ओके, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। मैं अपनी डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, उसके अंदर से मैंने कोई सबसेट उठाया, सबसेट उठाने के बाद, ओके, मेरे को पता है कि अगर कोई सबसेट भी एक तरीके से सेट ही होता है, सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, अगर वहां पर कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो कि उस सेट के जितने भी एलिमेंट हो उन सबसे बड़ा हो, तो जो सबसे बड़े वाला नंबर होता है उसको उस सेट का मैं अपर बाउंड कहता हूँ। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक सेट उठाया और सेट मैंने जो लिया वो ये लिया बेटा, सपोज दैट एस इज इक्वल टू, मैंने लिया सेट वन अपॉन एन और मैंने कहा कि सच दैट एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, ये मेरा कोई सेट है और मैं निकालना चाह रहा हूँ इसका अपर बाउंड, ओके, पहले तो ये देखो बेटा, आप एस के अंदर जो एलिमेंट होंगे, मैंने एन की वैल्यू वन डाली, वन डालने पर पहले वाला रिजल्ट निकला वन, मैंने यहाँ एन की वैल्यू टू डाली, अगले वाला एलिमेंट निकला एक बटे दो, मैंने एन की वैल्यू थ्री डाली, निकला एक बटे तीन, उससे अगले वाली वैल्यू डाली एक बटे चार, उससे अगले वाली वैल्यू डाली एक बटे पाँच, उससे अगले वाली वैल्यू डाली एक बटे छः, जब मैं इन्फिनिटी डालूँगा तो ज़ीरो,
इस तरह से वैल्यूज़ मिल जाएंगी ना। ओके, अब देखो बेटा, इस सेट के ये जो मेरा सेट है एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। आपको पता है नेचुरल नंबर का जो सेट स्टार्ट होता है वो वन से स्टार्ट होता है। इसके अंदर एलिमेंट होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो। अब जरा यहाँ ध्यान दो डेफिनेशन की तरफ। ये मेरा कोई सेट है, अगर मैं इस सेट को एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास ये सारे के सारे एलिमेंट निकल करके आते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन एलिमेंट के अंदर से, ओके, फोर ऑल एक्स के अंदर से मेरे को कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो सबसे बड़ा हो उन सब एलिमेंट्स में से। यहाँ देखो आप, वन सबसे बड़ा एलिमेंट है, वन सबसे बड़ा एलिमेंट है, फोर ऑल, यहाँ जो एक्स की वैल्यू है, जो मैं कह रहा हूँ फोर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, ओके, यहाँ जो एक्स की वैल्यू है, एक्स बराबर सारी वैल्यूज़ हैं 1/2, 1/3 और जितनी भी वैल्यूज़ हैं 0 तक, ये सारी की सारी एक्स की वैल्यूज़ हैं। ओके, यू जो है यहाँ पे वो 1 के बराबर है। ओके, मैं कह रहा हूँ कि दियर एग्जिस्ट अगर कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिससे सारे नंबर छोटे हों तो उसको मैं जो पर्टिकुलर नंबर मिलता है उसको उस सेट का अपर बाउंड कहता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है वो अपर बाउंड उस सेट के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी। तो इस बेस पर मैं क्या कहूँगा भाई कि मैं कहूँगा फोर ऑल एक्स के लिए वन जो है या एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू वन है। एक्स की कौन सी वैल्यू है, ये सारी की सारी वैल्यूज, वन इनसे क्या है, बड़ा है। तो मैं क्या कहूँगा, वन इज अपर बाउंड। किसका अपर बाउंड है भाई, वन इज अपर बाउंड ऑफ एस। अर्थात शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन दे रहा हूँ, आपको कोई भी सेट अगर दिया हुआ है उस सेट के अंदर जो है ना आप उसके एलिमेंट देखिए कौन से हैं, उन एलिमेंट्स के अंदर से जो एलिमेंट्स आपका सबसे बड़ा होगा वो उस सेट का अपर बाउंड होगा। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन और देखता हूँ, आपकी बात समझ आएगी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको अपर बाउंड कैलकुलेट करना है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको अपर बाउंड जो कैलकुलेट करना है, ये जो सेट एस है इसका अपर बाउंड कैलकुलेट करना है। कहना चाह रहा है कि एक्स बिलोंग टू क्यू है, एक्स मेरे पास रेशनल नंबर है और कंडीशन दे रखी है, एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो कह रहा है कि एन अपॉन एन प्लस वन है। एक्स की वैल्यू है एन अपॉन एन प्लस वन। आपको भी पता है कि अगर दो नंबर पी बटे क्यू के रूप में लिखे होते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। राइटर उसी को शो भी कर रहा है यहाँ पर और आगे कह रहा है कि एन जो है नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। ओके, समझ आती है मेरी बात? यानी आपको ये सेट दिया हुआ है, आपको इस सेट का अपर बाउंड निकालना है। अगर मैं, आपको पता है, वी नो दैट, क्या जानते हो भाई आप, वी नो दैट एन के अंदर जो एलिमेंट होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट होते हैं। थोड़ा सा क्यू के भी बारे में बता दूँ, क्यू के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं पी बटे क्यू टाइप के एलिमेंट होते हैं। ओके, क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। पी एंड क्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं। ओके, आप ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन अब इस चीज़ को देखो बेटा, जब मैं इसके सेट एस की जो है एलिमेंट्स की वैल्यू निकालूंगा, जब मैं एन बराबर यहाँ वन पुट करूँगा, ऊपर निकल करके आएगा 1, नीचे निकल करके आएगा 2। देखो आप, 1 + 1, जब उससे अगले वाली वैल्यू निकालूंगा मैं, एन की वैल्यू 2 डालूंगा मैं कोमा लगाने के बाद, ऊपर तो निकला 2/2 + 1, उससे अगले वाली वैल्यू निकलेगी 3/3 + 1, उससे अगले वाली वैल्यू निकलेगी 4/4 + 1। ओके, लास्ट में जाकर के मेरे पास निकलेगा एंड सो ऑन, इस तरह से निकलती रहेगी। लास्ट में मैं अगर ऊपर से एन कॉमन ले लूँ, ऊपर से तो एन कॉमन है ही, नीचे से अगर मैं एन कॉमन ले लूँ, ये निकलेगा 1+1/n। ओके, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, देखो ध्यान से देखना है, एन इन्फिनिटी तक जाता है, 1/∞ 0 हो जाएगा, कितना निकलेगा 1/, ध्यान से देखो 1+0, फाइनल वैल्यू निकल करके आएगी 1। क्लियर है ना? यहाँ से सोच करके देखो आप, मैंने यहाँ से नीचे से एन कॉमन ले लिया, एन कॉमन लेने के बाद 1+1/n बना, 1/n बनने के बाद n कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, n की वैल्यू इन्फिनिटी डालूंगा, 1/∞, आपको पता है 1/∞ 0 के बराबर होता है, 1+0 बराबर लास्ट वैल्यू 1 होगी। अब देखो बेटा, मेरे को क्या देखना है, इसकी सबसे बड़े वाली वैल्यू देखनी है,
जरा यहाँ से सोचो आप, पहले वाली वैल्यू तो निकल करके आई मेरे पास कितनी, 1/2, दूसरे वाली वैल्यू मेरे पास निकल करके आई 2/3, तीसरे वाली वैल्यू निकल करके आई 3/4, उससे अगले वाली वैल्यू निकल करके आई 4/5, एंड सो ऑन, लास्ट वैल्यू कौन सी निकल करके आई 1। आप अब इस चीज़ को सोचो, मैं ये देख रहा हूँ कि ये वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है। वैल्यू पहली बात तो ये है कि देखना है मेरे को वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, तो वह 0.5। अगर मैं 2/3 की वैल्यू निकालता हूँ 2.66, यानी वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है आपके सामने है। अगर मैं 3/4 की बात करता हूँ, 3/4, 7 × 4 = 28, 7.7, देखो आप वैल्यू बढ़ी, पहले वाले रिजल्ट में 1/2 यानी 0.5, उससे अगले वाली 0.66, 0.7, वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ते 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 कहाँ तक बढ़ी, लास्ट वैल्यू 1 निकली। ओके, मैंने आपको बोला था कि फॉर ऑल अगर ऐसे हो जाए, एक्स बिलोंग टू द सेट हो और एक्स लेस देन और इक्वल टू यू हो, ओके, तो ये जो यू है, यू इज अपर बाउंड, ये मेरी डेफिनेशन थी। अपर बाउंड मतलब क्या है कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर वो सारे के सारे किसी एक एलिमेंट के बराबर या उससे छोटे हों। ओके, यहाँ देखो आप, ये सारे के सारे एलिमेंट, अगर आप एन की वैल्यू ज़रा समझने की कोशिश करना बेटा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ये मेरा वो रियल लाइन है, इसके ऊपर सपोज दैट 1/2 तो ये निकला, उसके बाद 2/3 ये निकला, उससे अगले वाली वैल्यू, उससे अगले वाली वैल्यू 1 यहाँ आई, 1 ये निकला यहाँ, सपोज दैट। तो जैसे ही मैं इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा, 1 के आसपास आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो लेस देन और इक्वल टू 1 होंगे, सारे के सारे 1 से तो लेस ही होंगे, लेकिन यहाँ जो है जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते हुए जाओगे 1 के आसपास आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, मिलेंगे ना, ओके, और कोई भी पॉइंट 1 से बड़ा नहीं मिलेगा। ओके, तो 1 क्या हो जाएगा इसका, यानी एक ऐसा पॉइंट जिससे सारे के सारे पॉइंट छोटे हों, उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं बोलता हूँ अपर बाउंड। सो दैट अपर बाउंड कितना होगा, अपर बाउंड क्या हो जाएगा मेरे पास भाई, अपर बाउंड इज 1, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के निकलने वाले हैं, आप उस चीज़ से घबराओ मत, पहले मैं आपको डेफिनेशंस वगैरह बताऊंगा, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, अगले वाली डेफिनेशन है बाउंडेड अबव सेट। ओके, ज़रा समझने की कोशिश करना, सपोज दैट एस इज एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन इफ देयर एग्जिस्ट एन अपर बाउंड, इफ देयर एग्जिस्ट एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस, देन द सेट इज कॉल्ड, पहले लिख दूं बाद में समझा दूंगा, देन द सेट इज कॉल्ड, इज सेट टू बी लिख लो, सेड टू बी बाउंडेड अबव, ध्यान से सुनना डेफिनेशन क्या है। आपको ये तो पता ही है कि मैं रियल एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, जब रियल एनालिसिस है तो रियल नंबर का कोई मैंने सेट उठा रखा है, ओके, जो कि वास्तविक संख्याओं का एक सबसेट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इफ़ दियर एग्जिस्ट, अगर वहाँ पर एक अपर बाउंड मिल जाए उस सेट के लिए, ओके, देन द सेट इज सेट टू बी बाउंडेड अबव, मतलब ये है कि अगर आपको कोई सेट दिया हुआ है, सेट के अंदर अगर आपको अपर बाउंड मिलता है, उस सेट के लिए अगर आपको अपर बाउंड मिलता है और उससे बड़े वाली वैल्यू आपको कोई दूसरी नहीं मिलती है, तब वो बाउंडेड अबव सेट होगा। जैसे ज़रा समझने की कोशिश करना, मैंने एक सेट उठाया, मैंने कहा सेट ऑफ इंटीजर लिया माइनस के साथ में, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर का सेट लिया। आपको पता है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, माइनस के 4 भी होगा, माइनस के 3 भी होगा, माइनस के 2 भी होगा, माइनस का 1 भी होगा, माइनस के 3 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 1 होगा। ओके, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ले रहा हूँ, पहले ही नेगेटिव इंटीजर का साइन लगा दिया,
एंड सो ऑन, यहाँ तक होंगे। अब गौर करो आप भाई, सबसे छोटे वाली वैल्यू का तो आपको कुछ पता नहीं, इन्फिनिटी तक जा रही है, लेकिन सबसे बड़े वाली वैल्यू क्या है, माइनस की वन है। ओके, समझ आती है ना? तो माइनस वन इसका क्या है, अपर बाउंड होगा। क्लियर है ना? देखो आप, अगर मैं इसके ऊपर अपर बाउंड की डेफिनेशन लगाता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द सेट जेड नेगेटिव, ओके, और कंडीशन होती है एक्स लेस देन और इक्वल टू यू, एक्स लेस देन और इक्वल टू यू, ओके, यानी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे यू से कम होने चाहिए। अब आप यहाँ देखो, अगर मैं सबसे छोटा नंबर इसके अंदर तलाश करने की कोशिश करता हूँ, आप ये कहोगे कि सर वो तो माइनस इन्फिनिटी है। ओके, अगर माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर होगा तो मैं उसको अनबाउंडेड में डालूंगा, और अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी पर भी कोई इस तरह का केस होगा उसको भी अनबाउंडेड के अंदर डालूंगा, जो अगली डेफिनेशन में आने वाली बात है। मैंने आपको क्या बोला है, अगर वहाँ पर कोई अपर बाउंड आपको मिल जाए उस सेट के अंदर, ओके, या उस सेट का कोई अपर बाउंड मिल जाए उस सेट के अंदर मिल जाए, या उस सेट का कोई अपर बाउंड मिल जाए, तब उसको मैं बोलता हूँ बाउंडेड अबाव। इसके अंदर से सबसे बड़े वाली वैल्यू तो ये है, लेकिन सबसे छोटे वाली वैल्यू नहीं पता। अगर किसी सेट के अंदर हम लोगों को सबसे बड़े वाली वैल्यू का पता होगा, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, अगर किसी सेट के अंदर हम लोगों को सबसे बड़े वाली वैल्यू का पता होगा तो वो सेट बाउंडेड अबाव होगा। अगर किसी सेट के अंदर हम लोगों को सबसे छोटे वाली वैल्यू का पता होगा लेकिन सबसे बड़े वाली वैल्यू का पता नहीं होगा, वो बाउंडेड बिलो होगा। आई एम रिपीटिंग, अगर किसी सेट के अंदर हम लोगों को सबसे छोटे वाली वैल्यू का नहीं पता लेकिन सबसे बड़े वाली वैल्यू का पता है, वो बाउंडेड अबव होगा। अगर किसी सेट के अंदर सबसे छोटे वाली वैल्यू का पता है सबसे बड़े वाली वैल्यू का नहीं पता, वो बाउंडेड बिलो होगा। ओके, अर्थात इसके अंदर जो सबसे बड़े वाली वैल्यू है माइनस के वन है, माइनस का वन इसका क्या है, माइनस वन इज क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। किसका अपर बाउंड होगा भाई, अपर बाउंड ऑफ जेड माइनस। ओके, तो आप क्या कहोगे, सो दैट, मैं सीधा सीधा कहूँगा, सो दैट द सेट जेड, द जेड माइनस इज बाउंडेड अबव है कि बिलो है, बाउंडेड अबव। ओके, समझ आती है मेरी बात? आपको अगर कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालते रहना, आई विल हेल्प यू। ओके, अगले वाले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं।